जगह से डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की खबर आ रही है। दिल्ली में तो 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है डेंगू और चिकनगुनिया से। ऐसे में हमें पता चला है कि मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन को भी डेंगू हो चुका है। ये बात है फ्राइडे की, जब उन्हें नानावाटी हॉस्पिटल ले जाया गया। वो कुछ दिनों के लिए भारत से बाहर गई थी और वापस आते ही उन्हें डेंगू हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। विद्या बालन को डेंगू होने की खबर सुनते ही बीएमसी अधिकारी उनके सोसाइटी में आ गए ये जांच करने के लिए कि डेंगू हुआ कहां से। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शाहिद कपूर, जो उनकी सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उनके पूल में डेंगू के लार्वा की ब्रीडिंग हो रही थी, जो शाहिद को पता भी नहीं थी। लेकिन इस सिलसिले में बीएमसी ने उन्हें नोटिस भेजा है। उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा और उनके ऊपर बीएमसी की तरफ से केस भी चलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पूल में साफ सफाई नहीं रखी, जिसकी वजह से किसी की जान खतरे में है। इस केस में शाहिद कपूर के स्पोक्सपर्सन ने ये कहा कि शाहिद न्यूबॉर्न बेबी के आने के बाद उनके साथ बिजी रहते हैं और घर के पास समुंदर होने की वजह से हो सकता है कि उन्होंने पूल की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन जो भी जुर्माना और सजा होगी, वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ बीएमसी ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी वजह से वो भी डेंगू से बच गए। इसी के साथ हम दुआ करेंगे कि विद्या बालन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और सारे लोग अपने घरों में साफ सफाई बनाए रखें, ताकि डेंगू जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी से लोगों को राहत मिले। प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। दिस इज प्रीति राव फ्रॉम नर्जिस न्यूज।